पूर्णमिदं पूरात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। चूड़ामणिकृतविदुर बलैकृतवासुकी भवतु भव्याय लीलातांडवपंडितः नूतना जलधररुचये गोपवधूटे दुकूलचोराय तस्मै कृष्णाय नमः। संसार महि रुहस्य बीजाय ओम शांति शांति शांति। ये है आकाश और आत्मा का साधर्म्य, ठीक है ना। आकाश और जीवात्मा है ना, आकाश शरीर नाम अव्याप्य वृत्ति क्षणिको विशेष गुण इष्यते। 27 नंबर श्लोक है, ठीक है ना। हाँ, तो ये जो श्लोक है ना 27 नंबर श्लोक में, तो पहले तो द्रव्य आरंभ चतुर्षु इस साधर में हो गया। पृथ्वी जल तेज वायु का साधर में क्या है? हाँ, द्रव्य आरंभकत्व, ठीक है ना। द्रव्य आरंभकत्व, द्रव्य आरंभकत्व का अर्थ है द्रव्य समवायी कारणत्व, है ना। इसका भी निष्कृष्ट किया कि जो है द्रव्य समवायी कारण वृत्ति द्रव्य तो व्याप्य जातिमत्व, ऐसा किया। उसके बाद है आकाश शरीरणाम, इसका साधर्म में है शरीर से यहाँ पर लेना है जीवात्मा को, ईश्वर को नहीं, है ना। तो यहाँ पर जो है साधन में बता रहे हैं अव्याप्य वृत्ति विशेष गुणवत्तम, ये हो जाएगा। पहले साधन में क्या होगा ना, ना दो साधन में यहाँ पर अव्याप्य वृत्ति, अव्याप्य वृत्ति विशेष गुणवत्तम क्या कहेंगे। हाँ, दूसरा साधन में है क्षणिक विशेष गुणवत्तम, ये दूसरा है। दो प्रकार साधन में है, ठीक है। पहला साधन में क्या है रामेश्वर, बोलते नहीं माता, केवल अव्यावृत्ति, अव्याप्य वृत्ति विशेष गुणवत्तम, ये पहला साधन में। दूसरा हाँ, दूसरा साधन में, दूसरा साधर में क्षणिक विशेष गुणवत्तम, ये दूसरा साधर में है, ठीक है ना। देखो तो कहते हैं कि लक्ष्य हो गया शरीर और आत्मा, ये लक्ष्य हो गया। और उसमें लक्षण लेना है दो प्रकार का लक्षण, अव्याप्य वृत्ति विशेष गुणवत्तम और क्षणिक वृत्ति विशेष गुणवत्तम, हाँ ठीक है ना। इसलिए जो शब्दादि हैं ये, है ना, शब्द है, ज्ञान है, इच्छा है, है ना, ये सब जो होते हैं, हाँ, ये इसको घटाना है, हाँ, लक्षण में, है ना। शब्दादि हो गए लक्ष्य और लक्षण हो गए कौन, नहीं उल्टा बोल दिया, लक्ष्य है शरीर और आत्मा, ये लक्ष्य हो गया। और लक्षण क्या है, शब्द आदि, शब्द आदि, शब्द ज्ञान इच्छा ये सब है। हाँ, ये जो शब्द आदि हो गए लक्षण, लक्ष्य में घटाना है। लक्षण में घटाने से पहले शब्द आदि में पहले अव्याप्य वृत्तित्व सिद्ध कर रहे हैं और क्षणिकत्व सिद्ध कर रहे हैं, हाँ?
हाँ, पहले अव्यापवृत्तित्व सिद्ध कर रहे हैं और क्षणिकत्व सिद्ध करने जा रहे हैं। समझ में है ना? क्या सिद्ध करने जा रहे हैं? अव्याप्यवृत्तित्व क्षणिकत्व, मतलब शब्दादि अव्याप्य वृत्ति है, शब्दादि क्षणिक है, ये सिद्ध करने जा रहे, ये कहना जा रहे। तब तो ये लक्षण घटेगा, तब तो लक्षण घटेगा ना, क्योंकि ये विशेषण है, विशेष गुण के दो विशेषण दे रहे हैं, है ना। हाँ, क्योंकि दो प्रकार साधर्म्य में करने जा रहे हैं, अव्याप्य वृत्ति विशेष गुणवत्तम। तो विशेष विशेष गुण का क्या विशेषण हुआ? अव्याप्य वृत्ति, और दूसरा क्षणिक। इसलिए ये दोनों पहले सिद्ध होना चाहिए ना, है ना। विशेष गुण में शब्दादि जो विशेष गुण है, उस विशेष गुण में पहले अव्याप्य अव्याप्य वृत्ति तो सिद्ध होना चाहिए, और दूसरा क्या सिद्ध होना चाहिए? क्षणिकत्व। तब तो ये लक्षण घटेगा लक्ष्य में, है कि नहीं? समझ में? हाँ, इसीलिए बोल रहे हैं देखो। हाँ, पहले मुक्तावली में ले लो, आकाश आत्मनाम अव्याप्य वृत्ति क्षणिक विशेष गुणवत्तम साधर्म्यम इत्यर्थ। हाँ देखो, लिखते हैं आकाशस्य विशेष गुणः शब्द। आकाश में विशेष गुण कितना रहेंगे? कितना रहेगा? और कोई रहेगा? और कोई विशेष गुण नहीं है, है ना। आकाश में एक ही विशेष गुण है, शब्द। तो आकाशस्य विशेष गुण है शब्द, सच अव्याप्य वृत्ति, सच अव्यावृत्ति, अव्याप्य वृत्ति। अव्याप्य वृत्ति बोलते हैं स्व अभाव समानाधिकरणत्वम अव्याप्य वृत्तित्वम। स्व अभाव समानाधिकरणत्वम, है ना। जैसे संयोग हो गया, स्वप से संयोग ले लो, है ना। तो संयोग, तो संयोग रहता है वृक्ष में शाखा अवच्छेदना, और उसी वृक्ष में मूला अवच्छेदना, उसका अभाव भी है कि नहीं? ये स्व अभाव समानाधिकरण कौन हो गया? स्व बराबर कपि संयोग, हाँ, उसका अभाव होगा, संयोग का अभाव, उसका समानाधिकरण कौन हो गया? स्वयं हो गया कि नहीं? कपि संयोग हुआ। लक्षण क्या हुआ? स्व अभाव समानाधिकरणत्वम क्या हुआ बोलिए? हाँ, स्व बराबर कपि संयोग, उसका अभाव बराबर कपि संयोग का अभाव। तो कपि संयोग का अभाव का समानाधिकरण कौन हो गया? संयोग स्वयं हो गया। इसलिए स्व अभाव, संधि करके यदि बोलेंगे, स्वाभाव समानाधिकरणत्वम, ये लक्षण हो जाएगा। ठीक है। दूसरा लक्षण होता है स्व समानाधिकरण अत्यंत भाव प्रतियोगितम, ये भी लक्षण होता है। स्व समानाधिकरण अत्यंत भाव प्रतियोगितम, है ना। स्व, हाँ, अत्यंत भाव, स्व बराबर कपि संयोग, हाँ, उसका समानाधिकरण अत्यंत भाव हो गया, कपि संयोग का अत्यंत भाव हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, उसका प्रतियोगी कपि संयोग। तो कपि संयोग में क्या जाएगा? स्व समानाधिकरण अत्यंत भाव प्रतियोगित्व वाह कि नहीं? समझ में आया? हाँ, क्या बोलिए, आए कि नहीं आया? हेलो, आ गया? क्या लक्षण हुआ बोलो। हाँ, तो स्व बराबर कपि संयोग, उसका समानाधिकरण अभाव अत्यंत अभाव, कौन सा अत्यंत अभाव? कपि संयोग का अत्यंत अभाव। हाँ, उसका प्रतियोगी
कपि संयोग, तो स्व समानाधिकरणा अत्यंत भाव प्रतियोगी बराबर कपि संयोग, तो उसमें रहेगा प्रतियोगितम, घट गया, ये हो गया अव्यावृत्ति। ठीक इसी प्रकार से आकाश में जो विशेष गुण है शब्द, वो भी अव्याप वृत्ति है, ये बोल रहे हैं, है ना, संयोग की तरह विभाग की तरह ये भी अव्याप्य वृत्ति है, ठीक है ना। देखो ये कैसे सिद्ध होगा बता रहे हैं ना, देखो स्वयं बता रहे हैं मुक्तावलीकार। देखो सच अव्याप वृत्ति, आकाश में जो शब्द है विशेष गुण ये है अव्याप्य वृत्ति है ना। ज्यादा कैसे देखो बताते हैं, क्या पहले सुन लो फिर पंक्ति में देखेंगे। जैसे हो गया भैरी अवच्छेदन आकाश में शब्द रहे है कि नहीं, हाँ, और घटा अवच्छेदन आकाश में क्या है, शब्द का अभाव है, अभाव है, स्व बराबर हो गया शब्द है, उसका समानाधिकरण अत्यंत अभाव क्या हुआ, शब्द का अभाव हुआ कि नहीं हुआ, घटावच्छेदन आकाश में, घटावच्छिन्न आकाश में, मतलब घटावच्छेदन आकाश में शब्द का अभाव हुआ कि नहीं हुआ, है कि नहीं हुआ, क्या स्व बराबर शब्द जहाँ पर शब्द उत्पन्न हो रहा है ना, जो शब्द उत्पन्न हुआ है कि नहीं, भैरी अवच्छेद भैरी अवच्छेदन आकाश में शब्द हुआ है कि नहीं, हाँ, उसका अधिकरण तो आकाश है ही, और उसका अत्यंत भाव मिल गया कहाँ पर, उसे आकाश में ही मिला, लेकिन घटावच्छेदन शब्द का अभाव भी है ना, तो अत्यंत भाव का शब्द का अत्यंत भाव, उसका प्रतियोगी शब्द हो गया, प्रतियोगितम शब्द में हो गया ना कि नहीं हुआ, हाँ यही यहाँ पर कह रहे हैं, देख लो है ना। देखो ज्यादा मतलब जिस समय पर किंचित अवच्छेदन शब्द उत्पद्यते, किंचित अवच्छेदन कहने से भैरी अवच्छेदन, भैरी अवच्छेदन मृदंगा अवच्छेदन शंखा अवच्छेदन, तो किंचित अवच्छेदन शब्द उत्पद्यते, शब्द उत्पन्न हुआ कहाँ पर, आकाश में ही उत्पन्न हुआ, तदा उसी समय पर अन्य अवच्छेदन घटपटादि अवच्छेदन घटावच्छेदन है ना, मठावच्छेदन है ना, तो तद अभावस्य अपि, उसका अभाव मिला कि नहीं, शब्द का अत्यंत अभाव मिल गया, हाँ, तो आकाश में ही है, दोनों का अधिकरण तो एक ही है, सत्व रहने से, सत्व ने विद्यमान होने से शब्द हो गया अव्याप्य वृत्ति, है कि नहीं, इसलिए शब्द में लक्षण घट गया, कौन सा लक्षण घट गया, हाँ अव्याप्य वृत्ति है ना, इसलिए अव्याप्य वृत्ति हुआ ना। अच्छा हाँ, तो इसलिए अव्याप्य वृत्ति तो आ गया कहाँ पर, शब्द में, जो आपका लक्षण है विशेष गुण शब्द उसमें पहले क्या आया, अव्याप्य वृत्तित्व आया, दूसरा विशेषण क्या है, क्षणिकत्व, क्षणिकत्व भी तो आना चाहिए, और क्षणिक क्या है ये बता रहा, देखो क्षणिक है, बोलते हैं कि देखो विशेष गुण है ना, रूपम गंधो रसास्पर्श, जैसे रूप जो है, रूप क्षणिक है क्या, कहाँ क्षणिक है, हाँ उसके बाद रहता नहीं रहता, उसके बाद तो रहता है ना रहता है, तो क्षणिक तो नहीं है, हाँ रूप है या ना, रस है, इसमें क्षणिकत्व तो नहीं है, आप कैसे कहते हो विशेष गुण में क्षणिकत्व है, ये बताओ, रूप है रस है तो क्षणिक नहीं है, आप कैसे कहते हो कि विशेष गुण क्षणिक है, कोई यदि कहे हाँ बोलिए क्षणिक का क्या तात्पर्य बता रहा, देखो सारे विशेष गुण क्षणिक नहीं होते हैं, कुछ विशेष गुण तो क्षणिक होते हैं, ये बोल रहे देखो, ठीक है ना, क्षणिकत्वम च तृतीय क्षणवृत्ति ध्वंस प्रतियोगितम, ये तो कोई क्षणिक का लक्षण है भाई, रामेश्वर सुन रहे हो कि फिर ये क्या बोलते हैं, ततया परेशान कर दिया हाँ ये भी क्षणिक है, चिंता ना करो,
ये भी दौर भी तो क्षणिक है, क्षणिक नहीं कि हमेशा रहेगा, बताओ। क्षणिक तो है, जिसको काटे वही जाने बोलो। जिसको काटे वही जाने। चलो, क्षणिकत्वं च तृतीय क्षण वृत्ति ध्वंस प्रतियोगितम। देखो, तृतीय क्षण में जो जिसका ध्वंस हो जाए उसके बोलते हैं तृतीय क्षण वृत्ति ध्वंस, नहीं तृतीय क्षण वृत्ति यस्य स ध्वंस, तृतीय क्षण वृत्ति ध्वंस है कि नहीं, उसका जो प्रतियोगी होगा इसी का नाम है क्षणिक। ये शब्द हो गया, शब्द प्रथम क्षण में उत्पन्न होते हैं, द्वितीय क्षण में रहता है, तृतीय क्षण में नष्ट हो जाता है, इसलिए शब्द में क्या रहेगा, क्षणिकत्व हो जाएगा, तृतीय क्षण वृत्ति ध्वंस प्रतियोगितम, ठीक है ना। अच्छा, आप कहते हैं, देखो ये बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, कहते हैं कि देखो सभी विशेष गुण को नहीं लेना है, यहाँ पर सभी विशेष गुण को नहीं लेना है, कहते हैं कि योग्य विभु विशेष गुणानाम, योग्य विभु विशेष गुणानाम। देखो नियम बता रहे हैं यहाँ पर, स्व उत्तर वृत्ति विशेष गुणनाश्यत्वात् प्रथम शब्द से द्वितीय शब्देन नाशः, है ना। देखो योग्य विभे विभु विशेष गुण, विभु जानते हैं, विभु क्या है, केवल व्यापक बोलना है, सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्वम, क्या लक्षण है, हाँ इसको कहते हैं विभु, है ना, सारे मूर्त द्रव्य के साथ जिसका संयोग हो उसको बोलते हैं विभु। हाँ, विभु के जो विशेष गुण है ना, लेकिन योग्य भी होना चाहिए, विभु का विशेष गुण तो होना चाहिए लेकिन योग्य भी होना चाहिए, ये योग्य, योग्य मतलब प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष योग्य, हाँ मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय, प्रत्यक्ष प्रमाण जन्य ज्ञान विषय योग्य, जो विशेष गुण विभु का विशेष गुण जो योग्य हो, तो योग्य का हमें किसके साथ करना है, हाँ गुण के साथ करना है, विशेष गुण के साथ, विभु के साथ नहीं करना है, हाँ योग्य चासो विभु विशेष गुण, हाँ ऐसा करना है, कर्मधारय कर लो, योग्य जो विशेष विभु का विशेष गुण, योग्य चासो विभु विशेष गुण, ऐसा करना है, पहले विभु और विशेष गुण, हाँ इति विभु विशेष गुण, फिर योग्य चासो विभु विशेष गुण, हाँ ऐसा करना है, ठीक है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, देखो बताता हूँ, है जैसे आत्मा में विशेष गुण क्या क्या होता है, बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष पत्र धर्मा धर्मा संस्कार, एक ही नहीं है, तो इसमें सारे विशेष गुण योग्य है क्या, नहीं होता है, नहीं होता है। जैसे संस्कार है, संस्कार योग्य है, नहीं है, धर्मा धर्मा नहीं है, ज्ञान है, हाँ ज्ञान है, ज्ञान सुख है ना, ज्ञान इच्छा कृति ये सब क्या है, ये प्रत्यक्ष है, ज्ञान है इच्छा है प्रत्यक्ष है कि नहीं है, है ना, इसलिए उसको लेना है, संस्कार आदि को नहीं लेना है, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि योग्य विभु विशेष गुणानाम, हाँ उनका क्या नियम होता है, स्व उत्तर वृत्ति विशेष गुण नाश्यत्वात्, है ना, स्व उत्तर वृत्ति है प्रथम क्षण में जो होगा है कि नहीं, हाँ वो नष्ट हो जाता है, उसके उत्तर काल में जो विशेष गुण उत्पन्न होगा उसी से प्रथम शब्द प्रथम विशेष गुण क्या होगा, जैसे ज्ञान उत्पन्न हुआ, पहले क्या ज्ञान उत्पन्न हुआ, ज्ञान के बाद इच्छा होती है, जब इच्छा जो उत्पन्न होती है ना, उत्तर वृत्ति विशेष गुण कौन हो गया, इच्छा, हाँ वो इच्छा से ज्ञान नष्ट हो जाएगा,
ज्ञान क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, हाँ है ना। ज्ञान तो अनित्य है इनके अनुसार, ठीक है ना। हाँ, वेदांती लोग उसको वृत्ति रूपी ज्ञान कहते हैं, नहीं तो ये यहाँ पर कह रहे हैं, है ना। ज्ञान, ज्ञान उत्पन्न स्व मतलब ज्ञान ले लो, उत्तर वृत्ति विशेष गुण कौन हो गया, इच्छा, उससे नष्ट हो जाएगा कौन, ज्ञान। हाँ ऐसा मानते, ठीक है। इसी प्रकार शब्द भी होगा, प्रथम शब्द से द्वितीय शब्द न, प्रथम शब्द उत्पन्न होगा, फिर उसके बाद द्वितीय शब्द जो उत्पन्न होता है ना, द्वितीय शब्द से प्रथम शब्द क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। नहीं, वो लोग द्वितीय क्षण में मानते हैं, हाँ प्रथम क्षण में उत्पन्न हुआ, द्वितीय क्षण में नष्ट हो जाएगा, लेकिन लोग तृतीय क्षण में मानते हैं, ठीक है। तो ऐसा मानते, ये वृश्चिका प्रसूति नहीं है, वृश्चिका प्रसूति नहीं है, वृश्चिका प्रसूति, वृश्चिका प्रसूति जानते हैं, जैसे बिच्छू हुआ ना, बिच्छू बिच्छू, जैसे बिच्छू मान लीजिए अंडे दिया, बच्चे को पैदा किया, जो बच्चे जो हो जाते हैं ना, वो मार देते हैं अपनी माँ को, हाँ ऐसा है, ऐसे बोलते हैं खा नहीं, बच्चे नहीं, बच्चे खा जाते हैं उसको, माँ से भूख लगती होगी, खा जाते हैं, आसपास कुछ मिला नहीं, चलो माँ को खा लो और क्या देखो यही ये बीच है, ये इसी का नाम है वृश्चिका प्रसूति न्याय, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से प्रथम शब्द उत्पन्न हुआ, हाँ प्रथम शब्द से द्वितीय शब्द उत्पन्न होता है, हाँ लेकिन द्वितीय शब्द प्रथम शब्द का क्या होगा, हाँ नाशक हो जाएगा, जनक का नाशक हो गया नहीं, हाँ ये इनका नियम है। एवं ज्ञानादिनाम अपि, जैसे शब्द हुआ इसी प्रकार ज्ञान का भी, ज्ञान से उत्पन्न हुआ इच्छा, इच्छा से ज्ञान नष्ट हो जाएगा, आगे नहीं आया। हाँ अब देखो, शब्द तो शब्द अव्याप्य वृत्ति भी है ना, हाँ जैसे शब्द अव्याप्य वृत्ति है, हाँ आकाश के, इसी प्रकार आत्मा के जो विशेष गुण है, मतलब योग्य विशेष गुण है, वो भी क्या है, वो भी अव्याप्य वृत्ति है। पहले शब्द में क्या सिद्ध किया बोलो, दूसरा क्षणिकत्व, इसी प्रकार आत्मा के जो विशेष गुण है ना, उसमें भी क्या सिद्ध करने जा रहे हैं, अव्यावृत्तित्व और क्षणिकत्व, ये कह रहे। देखो ज्ञानादिनाम, ज्ञानादिकम, ज्ञानादिकम यदा आत्मनि विभो, आत्मा है विभो, शरीरा अवच्छेदना उत्पद्यते, लेकिन आत्मा व्यापक है ना, हाँ आपकी आत्मा, आपकी आत्मा आपके शरीर में है कि घट में भी है, आप घट में नहीं है, घट में भी है, कैसे नहीं है घट में तब तो व्यापक कैसे होगा, व्यापक कैसे होगा, है ना, आत्मा तो व्यापक है ना, है तो सबके साथ क्या होगा, संयोग होगा कि ना आत्मा का, हाँ तो व्यापक होगा। आत्मनि विभो, आत्मा है विभो, है कि नहीं, शरीरा अवच्छेदना उत्पद्यते, शरीरा अवच्छेदना आत्मा में क्या उत्पन्न हुआ, ज्ञान उत्पन्न हुआ, ज्ञान है, इच्छा है, तदा उसी समय पर, उसी समय पर आपकी जो आत्मा है घट में है कि नहीं है, परंतु वहाँ पर क्या नहीं उत्पन्न होता है, ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है, क्यों नहीं होता मालूम है, शरीर नहीं ना है शरीर नहीं है, मन नहीं है, इंद्रिय नहीं है, तो कैसे उत्पन्न होगा, नहीं होगा ना, इसलिए बोलते हैं अब, तदा घटादि अवच्छेदेन तद अभावो अस्तिव, इसलिए वहाँ पर ज्ञान इच्छा आदि का अभाव है कि नहीं है, तो लक्षण नहीं घट गया, तो स्व बराबर ज्ञान, हाँ उसका समानाधिकरण अत्यंत अभाव हो गया, घटादि अवच्छेदन ज्ञान का अत्यंत अभाव,
उसका प्रतियोगी हो जाएगा ज्ञान, प्रतियोगितम ज्ञान में चला गया। तो क्या सिद्ध हुआ ज्ञान आदि में? अव्याप्य वृत्तित्व, वृत्तित्व सिद्ध हो गया और क्षणिकत्व भी सिद्ध हो जाएगा। देखो एवं ज्ञानादिकम अपि क्षणद्वय अवस्थाई, ये देखो है ना, प्रथम क्षण में तो उत्पन्न हुआ, द्वितीय क्षण में रहेगा, तृतीय क्षण में नष्ट हो जाएगा। इत्थं च, इससे क्या हुआ? अव्याप्य वृत्ति विशेष गुणवत्तम, देखो दो प्रकार साधन में है ना, अव्याप्य वृत्ति विशेष गुणवत्तम, अव्याप्य वृत्ति विशेष गुण बराबर शब्द भी है और ज्ञान आदि भी है, नहीं तो विशेष गुणवत्तम कहाँ चला गया? विशेष गुणवत्त हो गया आकाश और आत्मा, बोलो विशेष गुणवत्त कौन हुआ? आकाश और आत्मा, विशेष गुणवत्तम आकाश और आत्मा में, जीवात्मा में है ना, तो ये साधर में हो गया। दूसरा साधर में क्या है? हाँ ये देखो क्षणिक विशेष गुणवत्तम है ना, क्षणिक विशेष गुणवत्तम अनुसार है, हाँ ये मेरे में नहीं है, अनुसार चाहिए। क्षणिक विशेष गुणवत्तम च अर्थ, क्षणिक विशेष गुणवत्त भी होता है, ठीक है। इसी प्रकार से हो गया, दोनों का साधर में हो गया भी, ठीक है ना। आप कहते आप देखो थोड़ा पदकृत्य दे रहे हैं, पदकृत्य, पदकृत्य कैसे? पहला साधर में क्या है बोलो? हाँ ये साधर में है अव्याप्य वृत्ति, हाँ ये साधर में है, ठीक है ना। तो इसमें जो दे रहे हैं अव्याप्य वृत्ति, जब नहीं देंगे कितना रहेगा? हाँ विशेष गुणवत्तम रहेगा, तब तो अतिव्याप्ति हो जाएगी है ना, क्योंकि प्रतिव्याप्ति में भी है क्या विशेष गुण? है, रूपादि है ना, रूपादि है, रूप है, रस है, गंध है, ये सब है कि नहीं पृथ्व्यादि में? तब पृथ्व्यादो रूपादिर विशेष गुण अस्ति इति है ना, आगे लिखा अस्ति इति अतो अतः अव्याप्य वृत्ति इति उक्तम, अव्याप्य वृत्ति इसलिए कहा गया, विशेष गुण तो है लेकिन अव्याप्य वृत्ति है क्या? नहीं है वो अव्याप्य वृत्ति है ना। अच्छा और विशेष गुण क्यों कहा? विशेष गुण जब नहीं देंगे तो कितना रहेगा? हाँ अव्याप्य वृत्ति इतना रहेगा है ना, तो क्या बोलते देखो, पृथिव्यादु अव्याप्य वृत्ति संयोगादिर अस्ति, संयोगादि है कि नहीं? हाँ इति, इसलिए क्या कह दिया? विशेष गुण इति उक्तम, मतलब गुण का, गुण का विशेष गुण कहा ना, विशेष पद नहीं देंगे मतलब अव्याप्य वृत्ति गुणवत्तम इतना रहेगा, कितना रहेगा? अव्याप्य वृत्ति गुणवत्तम इतना रहेगा ना, हाँ तो तब भी अतिव्याप्ति हो जाती, क्योंकि पृथ्वी आदि में है तो अव्याप्य वृत्ति संयोग है क्या? है, और आदि से क्या लेंगे? विभाग भी ले लो, है कि नहीं? तो अतिव्याप्ति नहीं हो जाएगी, हाँ विशेष पद नहीं देंगे तो सामान्य गुण को ले लेंगे है ना, जो सामान्य गुण लेकिन अव्याप्य वृत्ति हो, ऐसा संयोग भी है, विभाग भी है कि नहीं? इसलिए पृथिव्यादो अव्याप्य वृत्ति ही संयोगादिर अस्ति इति विशेष गुण इत्युक्तम, इसलिए गुण का विशेषण क्या दिया? विशेष दिया, विशेष गुण को लेना है, हाँ क्या लेना है? विशेष गुण, ठीक है ना। हाँ इसमें श्लोक भी है, दिनकरी में श्लोक दिया है, बुद्ध्यादि षड्कम स्पर्शांता स्नेह सांसदिको द्रव अदृष्ट भावना शब्द
अमी भैसे सिका गुणा। हाँ आपके वहाँ दिया है, किन्नावली में दिया होगा, देखो किन्नावली में दिया है नहीं दिया है, चलो नहीं दिया तो कोई बात, ये सब आएगा, चिंता न करो। हाँ ऐसे तो मुक्त, ये न्याय न्याय सिद्धांत मुक्त, ये क्या बोलते हैं, न्यायबोधिनी में भी है। कहाँ पर? हाँ न्यायबोधिनी में, ठीक है। बस महाराज इतना रहो, आज इतना रहो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।